मध्य प्रदेश के इंदौर के मल्हारगंज स्थित श्री योग पुरुष धाम में 5 बच्चों की मौत हो गई। इस मामले में प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। श्री योग पुरुष धाम में घटना के दिन बच्चों को दिए गए भोजन की जानकारी में सामने आया है कि उन्हें कढ़ी, दाल, चावल, खिचड़ी और दलिया खाने को दिया गया था, जिसके बाद बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी। इस मामले की जाँच के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। बमीठा थाना पुलिस ने बागेश्वर धाम पर चैन स्नैचिंग करने वाली 7 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। ये महिलाएं गिरोह के रूप में लोगों के बीच बैठती थीं और मौका मिलने की चैन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देती थीं। यूपी के आगरा, दिल्ली और ग्वालियर की रहने वाली इस गिरोह की 7 महिला सदस्यों को बमीठा पुलिस ने पकड़ा है, जिनके पास से माल भी बरामद हुआ है। प्रदेश में हुए नर्सिंग कॉलेज घोटाले को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस की युवा इकाई ने राजधानी के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर मंगलवार को सत्याग्रह का आगाज किया था। बुधवार को युवा कांग्रेस ने इस सत्याग्रह को विराम दे दिया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार दूसरे दिन इस सत्याग्रह में पहुंचे और युवा कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र सिंह को बिस्कुट खिलाकर सत्याग्रह समाप्त कराया। उमंग सिंगार ने कहा, मंत्री विश्वास सारंग का इस्तीफा न होने तक हमारी यह लड़ाई जारी रहेगी। लोकायुक्त टीम ने असिस्टेंट इंजीनियर को रिश्वत लेते पकड़ा है। सहायक यंत्री निधि मिश्रा ने अधीक्षण यंत्री के नाम पर 50,000 रुपये की मांग की थी। खुद के लिए भी 10,000 रुपये मांगे थे। बुधवार को पाटीदार रुपये लेकर जंतर मंदिर के सामने स्थित पीएचई के कार्यालय में पहुंचा था, जहां सहायक यंत्री ने अपने पक्ष में ही टेबल की दराज खोल दी और रुपये उसमें रखवा लिए थे। मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर की गाडरवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आमजनों से भूत बाधा के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले दूसरे आरोपित की तलाश की जा रही है। पुलिस ने जालसाजों के पास से नकदी, जेवर, कार, मोबाइल सहित करीबन 45 लाख की संपत्ति जब्त की है। लोगों से कुल 78,71,000 की धोखाधड़ी की है। भोपाल के नाथू बरखेड़ा में इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहां पहले से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी टर्फ और पवेलियन का निर्माण चल रहा है। ऐसे में खिलाड़ियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के अलावा भोपाल में एविलेटेड कॉरिडोर बनेगा। इसके तहत बंसल हॉस्पिटल के पीछे से गुजरेगा पुल। चूना भट्टी से मनीषा मार्केट तक सड़क बनेगी। इंदौर नगर निगम के बजट में शामिल किए जाने वाला यह पुरस्कार शहरी हरियाली में योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाएगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया, शहर में 7 जुलाई से 14 जुलाई तक 51 लाख पौधे लगाने के लिए अभियान चलेगा। उन्होंने कहा, प्रत्येक वार्ड के हिसाब से 85 वार्ड के 85 घर मालिकों को ग्रीन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार शहरी हरियाली में योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाएगा। मौसम विभाग ने प्रदेश के 7 जिलों के लिए आज भारी बारिश का अलर्ट किया है जारी। इस दौरान गुना, अशोकनगर सहित 7 जिलों में हवा आंधी के साथ बारिश हो सकती है, जबकि बिजली गिरने की प्रबल संभावना है। इधर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में राहत रहेगी। यहां हल्की बारिश होगी, जबकि बादल भी छाए रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन के साथ एक ट्रफ लाइन गुजर रही है, जिसकी वजह से प्रदेश में 2 सिस्टम्स एक्टिव हैं। दमोह के पुराने कलेक्ट्रेट कार्यालय के अंदर फैले अवैध अतिक्रमण को बुधवार दोपहर कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के निर्देशन में हटाया गया। नगरपालिका का अमला यहां जेसीबी लेकर पहुंचा और सड़क पर रखे अवैध टपरों को एक एक कर हटा दिया गया। पुराने कलेक्ट्रेट परिसर वर्तमान में महिला बाल विकास आबकारी BEO कार्यालय, जनपद कार्यालय के साथ अन्य कार्यालय संचालित होते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने MP बजट को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने बजट पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह जनता से विश्वासघात वाला बजट है, यह सरकार जन विरोधी है। इस बजट से MP की जनता को भारी निराशा हुई है। कमलनाथ ने कहा, यह वादा खिलाफी है। प्रदेश के किसानों, नारी शक्ति, नौजवानों और सभी वर्गों से किए गए चुनावी वादों को बजट में कोई स्थान नहीं दिया गया।